वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। काफी अच्छी क्लिप भेजी है एक भाई ने दोस्तों, ये कमेंट नहीं है, ये भी जो वीडियो में हमने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज अगर आपने हमारे थ्रू कुछ सीखा है तो एक छोटी सी अपनी वीडियो क्लिप बनाकर हमें भेजे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम कुछ सही काम कर रहे हैं। तो ये हमारे मुरादाबाद से भाई हैं, इन्होंने एक छोटी सी क्लिप भेजी दोस्तों। देखो इन्हीं क्लिप के जरिए से हमारे पूरे इंडिया को संदेश पहुंचेगा कि हाँ ये इमरान जो यूट्यूब पर बैठा है ना, ये सही काम कर रहा है या गलत कर रहा है। आपसे कोई डिमांड नहीं रहती हमारी, या कोई ये नहीं कि हाँ, समझ रहे हो ना, हम उन चक्करों में कभी नहीं पड़ते। हम जिस काम को लेकर चल रहे हैं बिल्कुल फ्री माइंड, नो कॉस्टली, कोई मांग नहीं रहती हमारी किसी चीज की, सिर्फ एक मांग रहती है क्या, नस्ल बनाए और अपनी एक वीडियो ऐसी बना करके भेजे जो किसी के लिए वरदान साबित हो, किसी को कोई सीख दे, किसी को कोई नॉलेज दे। तो ऐसी एक वीडियो आप भी अपनी बना करके भेजे जो हमारी वीडियो के जरिए कुछ सीखा है या अपनी छत पर कोई नस्ल बनाई है। तो इन भाई ने दोस्तों कुछ शब्द हमारे बारे में कहे जो सुनकर काफी दिल खुश हुआ। भाई शुक्रिया आपका, आपने इतने प्यारे अल्फाज हमारे बारे में कहे, वाकई में दिल खुश हो गया। जबकि अभी हम इन अल्फाजों के लायक नहीं है क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे आ जाते हैं, शायद हम अभी बहुत दूर है। तो प्लीज नस्ल बनाने पर फोकस करें और हमारे इन भाई की ये वीडियो क्लिप। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब मेरा नाम समर्थ है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आज से 10 दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने ये बताया था कि कबूतर की हरी आंख कैसे बनाए। मैंने उस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा और सुना तो मैंने महसूस किया कि आप बहुत ही अच्छे चरित्र के व्यक्ति हो, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हो और साफ दिल के व्यक्ति हो, क्योंकि आपकी सारी बातें खरी थी, स्पष्ट थी और साफ सुथरी थी, उसमें कोई भी लगा लिपटापन, कोई चापलूसी वाली बात नहीं थी। मुझे आप बहुत बढ़िया व्यक्ति लगे। फिर मैंने आपकी और वीडियो देखनी शुरू कर दी और जितने भी और लोगों की वीडियो देखता था सबकी बंद करके आपकी वीडियो देखनी मैंने शुरू कर दी। मुझे आपकी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आपका सोने का दिल और लोहे के हाथ, कहने का मतलब ये है मेरा कि आपके इरादे मजबूत, हौसले बुलंद और आपका विश्वास जो कभी ना डिगने वाला है, लोहे की तरह मजबूत है, और जो आपका दिल है उसमें सहानुभूति है, तत्परता है और बहुत सारी नेकियों से भरा हुआ है, इसलिए आपका दिल सोने का है जो बहुत कीमती है। और डॉक्टर साहब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने भगवान से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा आपकी रक्षा करे और आपको विजयी बनाए और गलत लोगों से आपको बचाए। और डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, अपनी वीडियो में मुझे लगभग 6 साल हो गए कबूतर पालते हुए, लेकिन मेरी जानकारी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखी, उन्हें बहुत ध्यान से सुना, उसमें आपने बताया कि चोंच कैसी हो, कंजे कैसे हों, नखून कैसे हों, आँखें कैसी हों, तब मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा आपकी वीडियो से और मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं भी एक अच्छे जोड़े लगा सकता हूँ जो शाम शाम तक बनाए। और डॉक्टर साहब मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आई, आप कहते हो ना कि नस्ल बनाओ, अच्छी नस्ल बनाओ, खिचड़ी से कोई फायदा नहीं कि बोरंग की बोरंग की बोरंग, नहीं, एक रंग दो रंग तीन रंग, बस नस्ल बनाओ, अच्छी बनाओ, शाम शाम तक की बनाओ, जब से बस वही करामें। डॉक्टर साहब मेरे पास केवल दो रंग है, एक कलदुमे और दूसरे हरे, केवल बस मैं इन्हीं की नस्लें बनाऊंगा। और बहुत कुछ मैंने आपकी वीडियो से सीखा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और डॉक्टर साहब आपको इन एडवांस में ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं।